पर अस्पताल में फिर दिखी बड़ी लापरवाही। मरीज को गोद में लेकर इमरजेंसी पहुंचे परिजन। जिला अस्पताल में नहीं मिली स्ट्रेचर, दो दिन पहले ही अस्पताल का निरीक्षण करने आए थे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। निरीक्षण के बाद भी लापरवाही। मरीजों को भगवान मान सेवा करने का दिया था मंत्र, दो दिन में ही व्यवस्था हुई खराब। जिला अस्पताल की इमरजेंसी का है ये पूरा मामला। दो दिन पहले ही अस्पताल का निरीक्षण करने आए थे ब्रजेश पाठक। ब्रजेश पाठक के निरीक्षण के बाद भी मरीजों को भगवान मानकर सेवा करने का दिया था मंत्र, दो दिन में ही व्यवस्था हुई खराब। जिला अस्पताल के इमरजेंसी का है ये मामला। हमारे विशेष संवाददाता अरुण अवस्थी फोन लाइन पर है। अरुण, मरीजों को गोद में लेकर इमरजेंसी पहुंचे परिजन, अभी ब्रजेश पाठक दो दिन पहले ही वहां पर पहुंचे थे, उसके बावजूद भी बिल्कुल इस तरह जो मामला है वो देर रात का है, जिसमें एक मरीज के परिजन जो एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचते हैं मरीज को दिखाने के लिए। मरीज भीषण बीमार होता है और उसको लेकर के जब पहले स्ट्रेचर के पास पहुंचते तो टूटा स्ट्रेचर उनको बाहर मिलता है, जिसके बाद उनको ले जाकर के गोद में ले जाकर के इमरजेंसी जाना पड़ता है। हालांकि जिस समय कैमरामैन को देखते हैं वहां के कर्मचारी तो थोड़ा सा परेशान होते हैं। इस पूरे मामले को लेकर ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से दो दिन पहले ही डिप्टी सीएम ने उन्नाव जिला अस्पताल का निरीक्षण किया था और निरीक्षण के दौरान ये निर्देश दिए थे, इस तरीके का मंत्र दिया था कि मरीजों को भगवान माना जाए और इनकी सेवा की जाए, लेकिन इस तरीके का सेवा भाव कहीं नजर नहीं आया। दो दिन में ही सेवा भाव उतर गया और जो व्यवस्थाएं हैं वो बदतर दिखाई पड़ी और उस बदतर व्यवस्था का ही एक नजारा है कि मरीज को ले जाकर परिजन गोद में लेकर अंदर पहुंचते हैं और उसके इलाज के लिए निवेदन करते हैं। जी ब्रजेश पाठक के निरीक्षण के बाद भी इतनी बड़ी लापरवाही, परिजन को स्ट्रेचर नहीं मिला। बिल्कुल जिस तरीके का ये मामला है उसमें ये कहा जा सकता है कि जो स्ट्रेचर बाहर रखा हुआ था वो टूटा हुआ स्ट्रेचर था, जिसमें मरीज को ले जाना मुश्किल था। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ स्ट्रेचर ऐसे हैं जो केवल निरीक्षण के लिए रखे जाते हैं, बाकी व्यवस्था बदतर व्यवस्था में टूटे हुए स्ट्रेचर बाहर दिखाने के लिए रख दिए जाते हैं और उसी का ये नजारा है कि जिसमें मरीज को गोद में लेकर परिजन जाने को मजबूर होते हैं। अरुण, अभी मरीज की हालत कैसी है? हाँ बिल्कुल, मरीज की अगर बात करें तो मरीज को इमरजेंसी में शिफ्ट किया गया है इमरजेंसी वार्ड में और उसका इलाज चल रहा है। हालांकि ऐसी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन उसको सांस फूल रही थी, इसको लेकर के परिजन लाए थे और अब उसको सामान्य बताई जा रही है। अरुण जी, आपका धन्यवाद। तो अस्पताल में स्ट्रेचर नहीं मिला, जिसे परिजनों ने गोद में उठाकर ही मरीज को अस्पताल ले गए। अभी दो दिन पहले ही ब्रजेश पाठक वहां पर पहुंचे थे निरीक्षण करने के लिए, उसके बावजूद भी घोर लापरवाही अस्पताल में देखने को मिल रही है।